मैंने फैसला कर लिया है, मेरा सच मेरे अनुभव का सच होगा। मैं हर उस बात को मानने से इनकार कर दूंगा जिसे मैंने खुद देखा या सुना ना। मैंने शेर को दहाड़ते हुए नहीं सुना, कभी नहीं। शेर 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 दहाड़ता नहीं है। दिमाग खराब कर रखा है। अगला अगर शेर गुंगा हुआ तो क्या करेंगे फिर? बोलेगा मुझे ऐसी जगह काम ही नहीं करना जहाँ बार 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 झूठ बोलना पड़े। अरे सुन रहे हो, इनके तो बाप दादा की बहुत ज्यादा आदतें पड़ी हैं, सोने की खाने पड़ी हैं, ये क्यों करेंगे नौकरी? बंदा मार दो तुम अनुभव के चक्कर में। अपनी आंखों देखी पे यकीन ना करें, दूसरे जो कहें उसको मान लें। आप पूछ रहे हो ना क्या दिक्कत है? यही दिक्कत है। दो समानांतर रेखाएं कैसे मिल सकती हैं सर? अरे कहने का मतलब यही है कि इन्फिनिटी पर मिलती हैं, यानी कि कभी नहीं मिलती हैं। बड़ा याद करते हैं तुमको, आ जाना ना घर। आऊंगा। अच्छा भाभी, मैं मेढक हूँ लेकिन अपने कुएं से मैं परिचित हूँ। इन्हें बोलने की बीमारी हो गई है, इन्हें ठंडे आ जाते हैं, ये बड़बड़ बड़बड़ किए रहते हैं। हाँ, आज से बोलोगे ही नहीं? अच्छा चुप रहकर और भी ज्यादा ज्ञान मिलेगा। हाँ मुझे तो पता है कि तुम पागल नहीं हो, पर दुनिया को जाकर कैसे बताऊं कि तुम पागल नहीं हो? बस यही सपना मुझे बार बार आता है कि मैं उड़ रहा हूँ आकाश में पंछी की तरह, गगन को चीरता मैं चला जा रहा हूँ, चला जा रहा हूँ। लेकिन ये सपना नहीं है, वास्तविकता है।